हमीरपुर में 2 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद पूरे जिला भर में पूर्णतः कर्फ्यू लगा दिया गया है और आज से कर्फ्यू में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, केवल मात्र आपातकालीन स्थिति में ही वाहन लेकर आवाजाही की जाएगी। गत देर रात तक चली जिला प्रशासन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दोनों कोरोना संक्रमित मामलों में और उसके साथ लगते क्षेत्र को हॉटस्पॉट बना दिया गया है और इसके बाद पूरे क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। वहीं दोनों कोरोना संक्रमित मामले वाले मरीजों को भोटा चैरिटेबल अस्पताल में भेजा गया है। DC हमीरपुर हरिकेश मीणा के अनुसार जिला में कोई भी कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 संक्रमित व्यक्तियों के मामले सामने आने के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप पूरे हमीरपुर शहर और जोर सप्पल पंचायत व उनके आसपास क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 7 किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आगामी देशों तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर शहर के आसपास स्थित ग्राम पंचायत सासन, दड़ूही, बजूरी, अनुबल, बस्सी झनेरा व चौकी जम्बाड़ा तथा जोरसप्पड़ के समीप लगती रैल, बलडूक, रंगस, बूणी, कंद्रोला पंचायत को इसी जोन में रखा गया है। जिला की सभी सीमाएं पूर्ण तरह से सील रहेंगी और इन पंचायतों में किसी प्रकार की आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी। उपायुक्त हमीरपुर ने लोगों से अपील की है कि वे बिल्कुल ना घबराएं और अपने घरों में ही बने रहें। किसी भी प्रकार की अफवाहों व अपुष्ट सूचनाओं की ओर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करें, जहाँ है वहीं रहें और घरों के अंदर रहकर कोरोना से निपटने के लिए पूरी कार्रवाई करें।